हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राजेश अजय मास्टर में आपका स्वागत है। तो गाइस, अभी आपने देखा है कि कई दिनों से मेरा कोई भी वीडियो नहीं आया है। तो गाइस, इसका क्या है कि जो दीपावली पे मैं घर पे गया था, तो इसलिए वजह से कोई भी वीडियो नहीं आया है। तो चलिए गाइस, आज का ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है आप सभी के लिए। जो भी नया ऑपरेटर है, हेल्पर है, उनके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, तो बने रहिए वीडियो में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा सेंसर होता है, अभी क्या हुआ कि मैं घर पे गया था दीपावली पे, तो यहाँ पे किसी ने मेरा सेंसर तोड़ दिया। सेंसर के साथ में जो सेंसर केबल रहता है उसका पिन भी तोड़ दिया है। तो गाइस, अभी मेरे को फिर सुपरवाइज़र ने कॉल किया था, तो फिर मैं बिजली से सेंसर केबल और कॉटेज लेके आया था। तो चलिए गाइस, मैं आज आपको बताऊंगा कि सेंसर कैसे लगाते हैं और सेंसर कैसे लगाते हैं आज फुल प्रोसेस। सेंसर लगाने केबल लगाने से, सेंसर लगाने से लेकर बेड कैसे बताता है, आज आपको फुल प्रोसेस दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। तो गाइस देखिए, ये देखिए मैं सेंसर केबल लेके आया था, ये वाला एक कॉटेज लेके आया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको सेंसर केबल का प्राइस भी बताऊंगा और इसको कैसे मंगवाना है, कहां से मंगवाना है, वो मैं आज आपको सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए गाइस, चलते हैं मशीन की तरफ, आपको दिखाता हूं कि सेंसर केबल कैसे लगाते हैं। तो कॉटेज को भी इधर ही रहने देता हूँ, सेंसर केबल ही लेके चलते हैं। तो गाइस देखिए, मशीन के पास आ चुके हैं, ये तोड़ दिया है सेंसर केबल का। देखिए चारों पिन निकल चुके हैं, यहाँ पे सेंसर लगा था, ये भी तोड़ दिया है। ये निकालना पड़ेगा, पूरा ही निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ से निकालेंगे, उधर से डालना है। तो गाइस देखिए, इधर से ये नहीं निकल रहा है ना, तो ये नट खोल लेना है। ये नट खोलने के बाद आप इसको उठा भी सकते हैं या फिर इसको भी खोल लीजिए, इधर से ऊंचा हो जाएगा फिर। चलिए मैं खोल के आपको दिखाता हूँ, ये नट भी खोल लेते हैं वो लोग, तो इसको ऊंचा करके वो निकल जाएगा फिर। तो गाइस देखिए, मैं सीट पर आ गया हूँ अपने ड्रम की तरफ है। तो सबसे पहले सीट को ही इधर को इस तरफ को घुमा लेना है, तो देखिए पूरा नहीं घुमाना, सिर्फ आधा सीट घुमा लेना, बाहर वो कर देना है। देखिए अब इसके बाद ये ऊपर का जो रहे, अगर ये इधर रहता है ये, इसको निकाल देना। अगर आपके में लगा, मैं निकाल लगा नहीं है, टूटा है। अब इसके नट को खोलना है, आपका टाइट होगा पाना से खोल दीजिए, मेरा राइटर टाइट नहीं है, ऐसे ही खोल लूँगा। देखिए हाथ से खुल गया मेरा, इधर देखिए ये लाल केबल है अपना, सबको बाहर निकाल लो।
वायरिंग है पूरा, ये लाल वायर को खींचो। वहाँ पे बीत गया है, ये देखिए यहाँ पे सेंसर होता है, हंट होता है, यानी कि यहाँ पे सब आ चुकी वायरिंग। अब इसको निकाल लेता हूँ। तो गाइस पूरा केबल खींचने के बाद इधर ये जॉइंट है, यहाँ पे इसको खोल लेना है। देखिए इसको घुमाने से नहीं, सिर्फ इसको घुमाओ, आगे इसको ऐसे निकाल लेना है। देखिए ये वाला वहाँ लाल का है, चलिए ठीक है। ये देखिए ये हमारा लाल केबल निकल चुका है पूरा, इसको साइड में रख देते हैं। अब नया केबल डालते हैं। तो गाइस देखिए ये मैंने नया सेंसर केबल लगा दिया है। ये देखिए पहले जो केबल लगा था उसी के हिसाब से आपको लगा लेना है। जैसे इसमें से इधर से निकाल के हुए उसमें से निकालना, और नट खोल के मैंने बताया था आपको। फिर इधर से निकाल लेना है केबल को, नीचे कर देना है, फिर से निकाल के ये देखिए इधर जितना बचा है इधर रहने देना है। खड्डा है उधर से रास्ता, इसको इसमें कनेक्शन कर देना है, जितना बचता है केवल इधर ही रख देना है, इधर अंदर रख देने का केवल। तो चलिए मैं अब आपको सेंसर लगाना, सेंसर और लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए पुराना सेंसर है मेरा, अब इधर लगा के दिखाता हूँ। तो रुकिए थोड़ा वीडियो पॉज। तो देखिए मैंने ये सेंसर लगा दिया है, यहाँ पे कितना है, इतना है, यहाँ पे देखिए इतना दिख रहा है। तो इसको यहाँ पे टाइट नहीं करना है, इसको फिक्स कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँगा। तो उसके लिए इसको ऐसे ही, अभी देखिए इतना, ये देखिए अभी इतना ढीला है, ये ऊपर नीचे जा सकता है, को देखना ये अंदर है। हाँ को इसको थोड़ा टाइट कर दो कि अंदर ना जाए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ करना क्या है। इस केबल अभी नहीं लगाना है, अभी मशीन चालू करना है, और इस सेंसर को इस पट्टी के सीध में, इस पट्टी के सीध में या फिर ये पट्टी के सीध में, तो मैं किसी के सीध में लेके रखना है। फिर इसको
टाइट करना है। मैं आपको अभी मशीन चालू करके ऊपर करके बकेट दिखाता हूँ। तो देखिए गाइस, ये मैंने इस सेंसर को पट्टी के लेवल कर दिया है। अब इसमें आप देखिए, यानी कि हमको 5 का सिक्का बराबर गैप चाहिए। अगर आपका पट्टी हिलता है, ऐसे देखिए मेरा पट्टी हिलता है, तो मैं इतना ही गैप रहने दूंगा इसमें, थोड़ा और अंदर करूँगा। चलिए इतना कर देता हूँ। और सेंसर को रहने देना है यहाँ पे बीचों बीच, सेंसर को इधर बीचों बीच रहने देना है, ठीक है। और ध्यान रखना है दोनों पट्टियों पे सेंसर आना चाहिए, ठीक। तो चलिए मैं अभी टाइट करके दिखा दूँ। 24 नंबर फाना से होता है टाइट। देखिए सेंसर लगाते टाइम एक खास बात ध्यान रखना है, ये हमारी छोटी पट्टी है, सेंसर इसके बराबर आना चाहिए। मोटी पट्टी है चौड़ी वाली, उस पर तो आ ही जाएगा, लेकिन छोटी वाली पट्टी है पतली वाली, उस पर सेंसर आना चाहिए हमारे पर। अब सेंसर को अंदर बाहर कर सकते हैं। देखिए तो मेरा नहीं आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर करने के बाद आ रहा है। अब तो मैं यहीं पर इसको टाइट कर दूँगा। अगर इसको ये सही से नहीं किया तो तुम्हारा वेट बराबर नहीं बताएगा, एरर आता रहेगा हर टाइम पर। तो देखिए इसको सेंसर को मैंने टाइट कर दिया है। अब इसको लगाता हूँ। इसको ऐसे नहीं लगाना, इसमें देखिए, इसमें देखिए एक तरफ गैप दिख रहा ना है इस तरफ, और देखिए इसमें भी पत्ती दिख रही है। तो इसको ऐसा लगाना है। इसको घुमा के टाइट कर देना है, और केवल यहाँ भी ध्यान रखना है। तो देखेगा ये सेंसर लग गया, केबल लगा दी और प्लेट भी लगा दी है। सेंसर केबल हमारा पूरा वहीं तक पहुंच चुका है। अब हमको सेंसर चेक करना है केबल, यानी हमारा सेंसर सही से लगा है कि नहीं। तो उसके लिए ये हमारा खुला रखा था, इसको इसमें लगाना है। इसमें लगाने के बाद फिर हम मशीन चालू करके चेक करेंगे कि सेंसर काम कर रहा है कि नहीं। तो चलिए इसको लगाता हूँ मैं। तो देखिए सबसे पहले इसको खोलेंगे, इसको इसको एक खोल दिया। इसमें देखिए ये पिन दिखता है 3, और इसमें भी 3 पिन है, इसमें वाले इसमें पिन है, तो इनको सही से बैठाना है। ऐसे देखिए ये बैठ चुका है, इसको घुमाते हैं। ये भी कस चुका है, देखिए अकेला अपने को इसे यही कसना है, कस चुका है। देखिए ये कस गया है, मैं थोड़ा ऊपर आता हूँ। ये देखिए कस गया है। ये कसने के बाद ये पूरा केबल को डाल देंगे, इधर से जितना केबल है ना इधर डाल देंगे। इसको डालने के बाद इसको लगा देता हूँ। देखिए ये क्योंकि इधर तो कनेक्शन हमारा हो गया है, तो अब इसको लगा देता हूँ। केबल आ रही है सामने,
ये देखिए ये लग चुका है।